अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे मेरी फेवरेट बॉम्बिल फ़िश फ्राई। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ही सॉफ्ट फिश होती है, इसको रवा फ्राई करेंगे तो टेस्ट में बहुत ही बढ़िया रहता है। इस रेसिपी को आप बनाने के बाद शायद आपका भी फेवरेट फ़िश फ्राई बन सकता है, बॉम्बिल फ़िश फ्राई। इसको इंग्लिश में बॉम्बे डक भी बोलते हैं। चलिए इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है देख लेते हैं। ये बॉम्बिल फ़िश है, ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। देखिए इसको साफ़ करके रख लिया है, दिखने में भी बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये 10 से 12 लहसुन और 2-3 हरी मिर्चों को दरदरा पीस के रख लिया है। नमक टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च, हल्दी। फिश को कुरकुरापन लाने के लिए और कोट करने के लिए पोमेरावा लिया है। कम चीज़ों से बहुत ही टेस्टी सा फिश फ्राई बनाएंगे। फिश में नमक डाल लेंगे टेस्ट के हिसाब से। पिसा हुआ लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसको मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। हमारा फिश मैरिनेट हो गया, अभी रवे में अच्छे से फिश को कोट कर लेंगे। ऐसे ही सारे फिश को कोट करते जाएंगे। देखिए सारे फिश को कोट कर लिया है मैंने रवे में अच्छे से। एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डाल के फिश को डालते जाएंगे हल्के हाथों से। फिश डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसको छोड़ देना है, बिल्कुल टच नहीं करना है। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए, अब इसको पलट लेंगे। बहुत ही ख्याल से इसको पलटना होता है, नहीं तो मछली टूट जाती है। इस तरफ पलट के भी 3-4 मिनट पका लेना है। ऐसे प्रेस करते हुए मछली को थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे। फिश में अच्छा सा कलर आ गया है, अब इसको निकाल लेंगे। बाकी के फिश को भी मैंने डाल लिया, इसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। ये एकदम अच्छे से कुरकुरे बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसके बोन्स एकदम बाल के जैसे होते हैं, ज़्यादा परेशानी होती नहीं है खाने में, टेस्ट में भी बहुत बढ़िया होते हैं ये। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।